कृष्ण को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए, ये आप सामने देख रहे होंगे, ये है सती ब्रज। वो सामने ये सती ब्रज है और इसी के बिल्कुल बराबर में ही ये राज घाट है। इसको राजा घाट के नाम से भी आप देख जान सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से अद्भुत ये यहाँ पर यमुना महारानी जी का पूजन हो रहा है। ये देखिए कितने भक्त यहाँ पर प्रसन्न हैं। ये देखें आप, ये कलश यात्रा निकलेगी कहीं पर, अब भागवत की कथा होगी। आप ये देख रहे हैं सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलिंदी तनया यमुना सदा ही शुभ कारिणी है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव की प्रसन्नता के लिए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यमुना में स्नान करे। ये भी पद्म पुराण के खंड संख्या में लिखा हुआ है। मथुरा में यमुना जी पुण्यों को अधिक बढ़ाने वाली कही गई है और अत्यंत भी उन्हें महान पापों का नाश करने वाला कहा गया है। आप ये देख रहे हैं आज का कितना अद्भुत ये दृश्य है। और आप यहाँ पर जो सामने ये मंदिर देख रहे हैं, यही विश्राम घाट है। ये वो विश्राम घाट है जहाँ पर सतयुग में भगवान बरहा जी ने यहाँ पर बैठकर ही विश्राम किया था। जब सतयुग था तब इस हमारी पृथ्वी को हिरणाक्ष धरातल में ले गया और धरातल में वहाँ ले जाकर छुपा लिया। ये आप दृश्य देख रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य है। ये देखिए आप कितने पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखें कितना अद्भुत ये यहाँ का आप नज़ारा देख रहे हैं। हम आज आपको यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ जय जमुना मैया कहते रहें हम, क्योंकि यमुना जी के बिल्कुल बीचों बीच में आ चुके हैं। और तब हिरणाक्ष ने भगवान श्री विष्णु भगवान जी से युद्ध किया और कई सालों तक वो युद्ध चला। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये पक्षी नाव के साथ साथ चलते हैं। तब उन्होंने युद्ध किया, बरहा जी का जो मंदिर है उनके हमने आपको श्वेत बरहा जी के और आदि बरहा जी के पिछले वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए हैं। और हमने आपको पहले भी एक बार विश्राम घाट के यम द्वितीया के पर्व पर भी हमने दर्शन कराए थे। आप पिछले वीडियो में जाकर वहां का भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये 24 घाट हमारे मथुरा में 24 घाट हैं, उन 24 घाटों को हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये आप बिल्कुल पास से देख रहे हैं। ये देखिए तो भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा एक युद्ध किया और उस हिरणाक्ष के मुंह पर एक घूंसा मारा, तब वो हिरणाक्ष हारने के लिए तैयार हुआ। नहीं तो इन हिरणाक्ष को और हिरणाकश्यप को, इन दोनों ये आपस के भाई भाई थे और दोनों के पास एक जैसे ही वरदान थे कि ना दिन में मरें, न रात में मरें, न घर मरें, न बाहर मरें और न नर से मरें और न मानव से मरें। इस प्रकार के इनके पास वरदान थे। तब इनके उद्धार के लिए विष्णु भगवान ने आदि बरहा देव जी का अवतार लिया और आदि बरहा जी ने ही यहाँ पर आकर विश्राम किया। तब वो पृथ्वी को उस हिरणाक्ष के छुड़ाकर रसातल में छुपी हुई थी वहाँ से लेकर आ रहे थे। तब उन्होंने यहीं पर इसी विश्राम घाट पर स्नान किया और थोड़ी देर के लिए उन्होंने विश्राम करके तब धरती को दोबारा से स्थापित किया। तब धरती माँ ने कहा कि प्रभु मुझे तो इस प्रकार से कोई भी यहाँ से लेके जा सकता है, आप इस तरीके का कुछ उपाय बताएं या कुछ ऐसा काम करें कि इस धरती को यहाँ से दोबारा कोई न लेकर जा पाए। तब विष्णु भगवान ने
इस प्रकार से यहाँ का जो हमारा ब्रज का क्षेत्र है, ये ब्रज का क्षेत्र गोकुल धाम से आया है और ये हमारी पृथ्वी से एक अलग हिस्सा है। भगवान विष्णु जी का शरीर पूरा ब्रज 84 कोस यात्रा में आता है। आप जब भी कभी मथुरा में आएं तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें, ये अत्यंत लाभकारी होती है और हमारे सभी पापों को नष्ट करती है। हमने आपको पहले भी वृंदावन की परिक्रमा कराई है, उसमें संपूर्ण जानकारी मथुरा की, वृंदावन की परिक्रमा से क्या लाभ होता है उसके बारे में आपको दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। हमने यहां पर जाकर भी दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर के भी आपको दर्शन कराए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर का संपूर्ण वीडियो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान हैं और ये गौड़ीय संप्रदाय का एक बहुत बड़ा आश्रम है। यहीं पर जब आप किधर से गए थे, दुर्वासा ऋषि के मंदिर में किधर से गए थे आप? मैं जब ये आप सामने देख रहे हैं, यही संत घाट है और यहीं पर एक गाय का मंदिर है और जितने भी ब्रज में गाय होती हैं उनके बछड़े होते हैं तो वो पहला दूध यहाँ इसी संत घाट पर चढ़ाने के लिए आते हैं, जिससे उनकी गायों को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। और यहीं पर स्वामी घाट स्थित है और वो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो वो कंस किला है। ये वही कंस किला है जहाँ से मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए एक सुरंग जा रही है, जो सुरंग अभी तो बंद कर रखी है। और यहीं पर कंसेश्वर महादेव का भी एक बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आप कभी आएं इस किले पर तो कंसेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करके जाएं, इनकी बहुत ही अद्भुत महिमा है। कंस भी इन्हीं कंसेश्वर महादेव की पूजा करता था और इन्हीं कंसेश्वर महादेव की पूजा करके उसने एक ऐसा धनुष प्राप्त किया जो किसी से भी नहीं हार सकता था कंस, तभी तो वो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर रहा था। तो इस प्रकार की हमारी महिमा है। अभी हम यहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे साथ में ये सवारी बैठे हुए हैं, श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि मथुरा में आकर इनको कैसा प्रतीत हो रहा है और इनके जो भाव हैं उससे हम आपको आज अवगत कराते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ बताइए, आपको आपके यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आवाज आवाज इनकी आवाज बैठ गई है और इनके हाथ में आप गोपाल जी ये साथ में लेकर आई हैं और इनकी आवाज थोड़ा बैठ गई है। अभी ये कुछ कह नहीं पा रही, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा तो दूसरा विजिट है यहाँ पे, दूसरी बार हम आए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। यहाँ पर एक और माहौल ऐसा बन जाता है, श्री कृष्ण जी की जो लीला है यहाँ पे आके लगता है कि अपने कृष्ण जी से एकदम लगाव हो जाता है और जुड़ जाता है, एक भाव अंदर पैदा होता है जो रोम रोम को पुलकित कर देता है। और आप सारी चीजें बता रहे हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल से हम लोग जुड़ गए। एक ईश्वर की ही इसमें लीला है कि इससे जुड़ गए और आपके साथ हम लोग को सारा चीज़ें पता चलेंगी, यहाँ पे कैसे कहाँ क्या क्या है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, आगे विस्तार से भी बातें होंगी। मुलाकात 12 घाट हम लोग दर्शन करेंगे ना, 12 दर्शनीय स्थल को देखेंगे। हमारे नाविक भाई ने कहा है कि 12 दर्शनीय स्थल को दिखाएंगे, तो हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारे जो यात्रीगण हैं ये बता रहे हैं कि सामने कंस का किला, इनको बता रहे हैं।
ये देखें आप, सामने ही कंस किला है। हमने कंस किले का भी वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर हमारी अद्भुत जानकारी कंस किले की ले सकते हैं। और आज हमने आपको ये 24 घाटों के दर्शन कराए हैं, आप सामने देख रहे हैं।